अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ऑनलाइन वजीफा। आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको बताऊँगा घर में गरीबी आने की 10 निशानियाँ। आप मानो या ना मानो पर हमारे घर की खैर बरकत खत्म करने में हमारा ही हाथ होता है। दोस्तों, आपके घरों में ऐसे सामान होते हैं जिनसे घर की गरीबी आती है और हम लोग देख कर भी उन सामानों को अनदेखा कर देते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं घर में गरीबी आने की कौन सी 10 निशानियां हैं। घर में मेहमान आने पर नाराज हो जाना, ये एक बहुत बड़ी लानत है। जब हमारे घर मेहमान आते हैं, हम उनसे नाराज हो जाते हैं और बदसलूकी करने लगते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखें, मेहमान आने पर नाराज होने से आपसे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है घर में गरीबी आने की। नंबर 2, 40 दिन से यानी 40 डेज से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बाल रखना, ऐसा करना नेस्ती है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके घर में गरीबी लाने की। नंबर 3, आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना। एक बात याद रखना, अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो उसे फिजूल खर्च मत करना। नंबर 4, रिश्तेदारों से बदतमीजी करना, ऐसा करना भी अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके घरों में खैर बरकत खत्म करने की। नंबर 5, घर में बिना मजबूरी के टूटा हुआ सामान या टूटे हुए कंघे का इस्तेमाल करने से भी घर में तंगस्ती आती है। नंबर 6, माँ बाप से बदतमीजी करना या जोर से बात करना या किसी वजह से दिल दुखाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे घर में खैर बरकत खत्म हो जाती है। एक बात याद रखना, अगर कामयाब इंसान बनना है तो कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। नंबर 7, औरतों का खड़े खड़े बालों को बांधना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह घर में खैर बरकत खत्म करने की, इससे भी गरीबी आती है घर में। नंबर 8, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोते रहना। तो आप जानते हैं सुबह हम सबके घरों में रिस्क के फरिश्ते आते हैं, अगर आप उस वक्त तक सोते होंगे तो सोचो क्या हासिल होगा। तो आपको मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोग सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़कर और कुरान की तिलावत करके जब आप लोग अपने अपने काम के लिए जाएंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी और घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं होगी इंशाल्लाह। नंबर 9 का सोना यानी सीने को नीचे दबाकर सोना भी गलत है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके घरों में गरीबी आने की। नंबर 10, पेड़ के नीचे पेशाब करना। एक बात याद रखना, पेड़ों पर हर तरीके के साये रहते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे कभी पेशाब मत करना। ये हमने आपको 10 निशानियां बताई हैं घर में खैर बरकत खत्म करने की। ध्यान रखिए, इन 10 निशानियों को आप बिल्कुल हरगिज़ मत करना अपने घर में, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो।